हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं थ्री डिफरेंट स्टाइल में स्वीट कॉर्न्स। ये देखिए, ये हमने बनाए हैं थिएटर स्टाइल स्वीट कॉर्न्स, ये हमने बनाए हैं चीज़ पिज़्ज़ा स्वीट कॉर्न्स, और ये हमने बनाए हैं स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न्स। आप थ्री डिफरेंट टाइप्स के घर पर ही स्वीट कॉर्न्स ईजली बना सकते हैं। आपको उसको बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। यहाँ हम अपने स्वीट कॉर्न्स को बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें हमने पानी ले लिया था, और अब हम इसमें 1 पिंच के करीब हल्दी डाल रहे हैं। इससे जो है हमारे स्वीट कॉर्न्स में टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शुगर डाल रहे हैं। शुगर डालने से क्या होगा, हमारे स्वीट कॉर्न्स में एक स्वीट स्वीट सा अच्छा फ्लेवर आएगा, और क्योंकि आजकल स्वीट कॉर्न्स ज़्यादा मीठे नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शुगर ऐड की है। ये देखिए, पानी में बॉयल आ गया है, ये देखिए हल्दी का कलर कितना अच्छा आया है, और अब हम इसमें अपने स्वीट कॉर्न्स डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर 3 कप स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और ये हमारे फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स हैं, और अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट बॉईल करेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से फूल गए हैं, और ये 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। मैंने अपने स्वीट कॉर्न्स को छान लिया था, और सबसे पहले हम बना रहे हैं थिएटर स्टाइल और जो आपको मॉल में मिलते हैं स्वीट कॉर्न्स वो। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप कॉर्न्स लिए हैं, ये भी गर्म है। अब हम इसमें बटर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेस्ट के हिसाब से ब्लैक साल्ट, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब इसमें चाट मसाला, और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने मायोनीज। मायोनीज से क्या होगा, हमारा जो इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारे स्वीट कॉर्न्स का, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून के करीब नींबू। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मायोनीज से हमारे जो स्वीट कॉर्न्स का टेक्सचर है कितना अच्छा है, कितना क्रीमी लग रहा है, ना थिएटर स्टाइल और जो मॉल में हमें मिलते हैं, हम इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसको बोल में सर्व करती हूँ। ये देखिए, हमारे थिएटर स्टाइल स्वीट कॉर्न्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम सेकंड टाइप के बनाएंगे अपने स्वीट कॉर्न्स। हमने यहाँ 1 बोल में 1 कप स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। अब हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न्स अपने चीज़ी पिज़्ज़ा स्वीट कॉर्न्स। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ ले रहे हैं 1 टीस्पून के करीब बटर, इसमें हम डाल रहे हैं इटालियन सीजनिंग 1/2 टीस्पून के करीब, और इसमें 1/4 डाल रहे हैं हम चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें यूज़ करेंगे हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस है, हमने ये 1 टीस्पून ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब लिक्विड चीज़। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे जो है लिक्विड चीज़ डालने से इसमें बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, जब हम चीज़ अपना डाल रहे हैं स्वीट कॉर्न्स में, तो हमारे स्वीट कॉर्न्स गर्म से हों, ताकि हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारे कॉर्न्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे चीज़ी पिज़्ज़ा स्वीट कॉर्न्स बनकर रेडी हैं। चलिए अब हम बनाते हैं थर्ड स्टाइल के स्वीट कॉर्न्स। यहाँ मैंने 1 बोल में स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज, और यहाँ हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर 1 टीस्पून के करीब। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप, और हम करीब इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी
टेस्ट के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न्स, तो इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे हम। ये हमारी पुदीने वाली ग्रीन चटनी है और मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक साल्ट टेस्ट के लिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून के करीब हाफ नींबू का रस। इससे हमारे जो स्वीट कॉर्न्स हैं इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न्स बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए अब हम आपको तीनों दिखाते हैं। ये देखिए हमारे तीनों डिफरेंट टाइप के स्वीट कॉर्न्स बनकर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।